जयपुर वीर शिरोमणि श्री नाथाजी स्मृति समारोह फतेह निवास झोटवाड़ा जयपुर में आयोजित हुआ। इस महत्वपूर्ण समारोह में 300 से अधिक प्रतिभाओं और वृद्धजनों का सम्मान किया गया जो समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान कर रहे हैं। इस समारोह में 500 यूनिट रक्तदान भी किया गया। श्री माधवेंद्र सिंह जी चोमू पूर्व नौसेना अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें विरक्त कुटी आश्रम के प्रसिद्ध राष्ट्र संत श्री बालक दास जी महाराज के सानिध्य में दीप प्रज्वलित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा और संस्थान के स्थायी अध्यक्ष सामोद के रावल श्री राघवेंद्र सिंह जी ने किया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय समाज में नाथाजी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातें साझा की। कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभाओं वृद्धजनों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया, जिनमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले होनहार विद्यार्थियों राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों और खेल क्षेत्र की प्रतिभाएं शामिल थीं। संस्थान के महासचिव और कार्यक्रम संयोजक श्री मोती सिंह सावली ने धन्यवाद ज्ञापित किया और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण और दूरदराज के समाज बंधुओं का समर्थन किया। उसका घर है लेकिन पैतृक संपत्ति को बेच के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? संदेश यही है, इसी प्रकार की जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार का जो जमीन खरीदता है, जो इस प्रकार का घर गाँव में खरीदता है, उसको प्रोत्साहन देने का कारण यही है। और इसीलिए अगर वहाँ से जाकर आएंगे तो हमारी जो संस्कृति है उसका विनाश हो रहा है, उस संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए हमको ये जीवित रखना होगा। धन्यवाद सर। देखिए और भी क्या समर हो रहा है, इसके चलते क्या उद्देश्य है और क्या मैसेज देना चाहते हो आम जनता को, नाथा समाज को? सर, हमारे आदि पुरुष थे वीर श्रोमणि नाथा जी, जिनके वंशज नाथावत कहलाए। उनकी स्मृति में हम प्रतिवर्ष जयपुर शहर में लगातार 20 वर्षों से नाथाजी समारोह का आयोजन करते हैं। वो समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम हमारे जो बुजुर्ग सरदार हैं जी, सब क्षत्रिय समाज के 80 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों का सम्मानित करते हैं और हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने विशेष योगदान क्रीडा के क्षेत्र में हो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। सर, लगातार ब्लड डोनेशन भी आज हो रहा है, तो कितने क्या लोग ने अभी तक ब्लड डोनेट किया कुछ? जी, ब्लड डोनेशन यहीं नहीं, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के प्रमुख संभागों में और भारत के प्रमुख शहरों में बॉम्बई दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। सबकी ऑल ओवर सूचना मेरे पास आ रही है, करीब 5000 प्लस ब्लड डोनेशन आज हो चुका है जी। इसके चलते नवयुवक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर समाज को? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि समाज सेवा हमें करनी चाहिए जी, और मानव सेवा में ब्लड डोनेशन जो रक्तदान है उससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। इससे कई परिवारों की जान बचती है। रक्त फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, ये तो मनुष्य से निकलेगा। इससे रक्त सेवा से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता, तो रक्तदान को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद। समाज के जो युवा है उनके लिए क्या कहेंगे? समाज के युवा एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े और वह मतलब धनाभाव के क्षेत्र में कोई पिछले नहीं, तो हम उनको चिन्हित करते हैं, ढूंढते हैं कि जो हमारे टैलेंट है और उनके कहीं एजुकेशन में दिक्कत आ रही है तो आर्थिक सहयोग भी हमारी संस्था करती है। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन में आगे बढ़े, एजुकेशन जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए कितनी अहमियत होती है जीवन में? उसका पूरा रोल होता है एजुकेशन का। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। एजुकेशन होगा तो सारी कुरीतियां स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ना भाषणों की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन जरूरी है। सर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या मांग करेंगे 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें? ये पॉलिटिकल इशू है, सामाजिक आदमी है, पॉलिटिकल इशू पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। चलिए, मैं और भी जानकारी दिलवाता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, नाथाजी की जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन का जो काम करें वो सराहनीय कार्य है। उससे कई लोगों की जान बचती है और जान के साथ साथ ही समाज में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित करते हैं। समाज में कई कुरूतियाँ उसके बारे में भी बताते हैं कि ऐसी कुरूतियाँ नहीं हो, नुक्ता पता नहीं हो और नहीं हो, और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ ही जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में विशेषकर जो रोजगार का क्षेत्र है उसके लिए हम प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। उनके सम्मानित होने से और जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हम आगे आएं और आगे आकर रोजगार भी मिले और रोजगार के साथ साथ और भी जो व्यवस्थाएं हैं समाज में खेल कूद की है, स्पोर्ट्स की है, इस तरीके से जिस जिस क्षेत्र में रोजगार है उस क्षेत्र में हमारे समाज को रोजगार मिलने के अवसर। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे आप?